के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, सोशल मीडिया पे लगातार कुछ लोगों के द्वारा हमारी टीम को समर्थन किया जा रहा है, तो जो भी संगठन इस महायज्ञ में आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में हमारी टीम का समर्थन करते हैं, उनको कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो बीच में आकर के तरह तरह के सवालात करने का कार्य करते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा 75% कार्य को लेकर आदरणीय महात्मा जी पर टिप्पणी करने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक हम लोगों ने इस महायज्ञ की डेट की घोषणा नहीं की, यही चंदाचोर नेता लगातार कमेंट्री कर रहे थे, डेट को लेकर के राजनीति करने का कार्य कर रहे थे। साथियों, जब आदरणीय महात्मा जी के द्वारा हमारी टीम के द्वारा डेट की घोषणा की जा चुकी है 16 अक्टूबर को अयोध्या की धरती पर एक विशालकाय महायज्ञ होना सुनिश्चित हो चुका है, ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, ये वो लोग हैं जो समय समय पर बीच में आकर के आपको गुमराह करने का कार्य करेंगे, आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो यज्ञ आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, इसका उद्देश्य शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराना है, ना कोई राजनीति करना है। साथियों, कहा भी जाता है कि कार्य करने वालों की आलोचनाएं हो तो होती ही है, हमें आलोचना से नहीं डरना है। और उत्तर प्रदेश के अपने समस्त जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि कुछ जनपदों में हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ हमारे जिला अध्यक्ष शांतिपूर्वक अपने जनपदों में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरिए और युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए। मैंने अपने पूर्व के ऑडियो में कहा था कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपकी मीटिंग अयोध्या में आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में होनी है, वो घड़ी भी आ गई है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की मीटिंग 25 सितंबर को अयोध्या में होने जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष इस मीटिंग में प्रतिभाग करेंगे और हमारे पदाधिकारियों के अतिरिक्त कोई भी साथी इस मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करेगा। साथियों, बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आप लोगों से साझा की जाएंगी और उसके बाद आपको फील्ड में उतर करके वर्क करना है। साथियों, बहुत से अवरोध आएंगे, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। आज 4 साल से जिन्होंने शिक्षा मित्र समाज को लूटने का कार्य किया, जिन्होंने शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने का कार्य किया, आज वो लोग सोशल मीडिया पर हमसे सवालात करने का कार्य करते हैं, तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक वीर योद्धा की तरह मैदान में उतरना है और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का दायित्व है। आपके इस भाई ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा अपने सर पे लिया है और उत्तर प्रदेश की मैं अपने बहनों से भी कहना चाहता हूँ, यह हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो लोग हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, तब दूसरों से सवालात कीजिए।
साथियों, हमारी टीम का उद्देश्य एक एक शिक्षा मित्र के घर में खुशहाली लाने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये कार्य किसी अकेले के बस का नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कहना चाहता हूँ कि पूरी ताकत लगा दीजिए और अपने पूरे परिवार के साथ इस महायज्ञ में प्रतिभाग करिए। यही महायज्ञ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण करेगा और जो लोग कमेंट्री करते हैं उनके कमेंट्री का जवाब भी आप लोग सार्थक सवालों के साथ दीजिए। ये वो लोग हैं जो घर में बैठ करके दय दय पुकारा करते हैं, आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ घरों में बैठकर राजनीति करने का कार्य करते हैं। साथियों, बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, इसलिए आपको कार्य करना है, आपको एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन के भविष्य को उज्जवल कराना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग जनपदों में जुट जाइए और मैं अपनी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से इस भाई ने इस कार्यक्रम का जिम्मा अपने सर में उठाया है, तो कहीं से भी आप हमको शर्मिंदा मत होने देना और इतनी ताकत देना, धन से ताकत देना, शारीरिक ताकत देना, मानसिक ताकत देना कि भारत सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दिखाना है कि आज भी शिक्षा मित्र अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। साथियों, ये हमारा आखिरी लड़ाई है, आप लोग भी पूरी जी जान से ताकत लगा दीजिए और ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी ताकत के साथ इस यज्ञ को सफल बनाइए, आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा वापस होगा, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं है, आपके साथ कोई राजनीति नहीं होगी, आपके खुशियों को भेजने का कार्य राजू दास उत्थान मंच के एक एक सिपाही के द्वारा किया जाएगा। आप लोग हमारा सहयोग करिए। राजनीति करने वालों के लिए मैं दो शब्दों में कहना चाहता हूं कि साथियों, कभी डर कर नौका पार नहीं। कहना चाहता हूं जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लग जाइए और इस कार्य को एक जन आंदोलन का रूप दीजिए और पूरी ताकत के साथ यज्ञ की तैयारी करिए। मैं दावे के एक साथ कहता हूँ, जिस दिन अपनी ताकत को आप दिखा ले गए, आपका मान सम्मान आपके कदमों में होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग पूरी ताकत के साथ हमारा सहयोग करिए और हमारे जो भी जिला अध्यक्ष जनपदों में तैयारी कर रहे हैं उनका बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए। यही आशा और विश्वास है कि हमारे सारे भाई बहन इस कार्य को मिलकर के एक आंदोलन का रूप देंगे और एक बहुत बड़े महायज्ञ को संपन्न करेंगे ताकि आपका मान सम्मान आपके घरों तक सुरक्षित पहुंच सके और सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ध्यान देना है उन्हें कि 25 सितंबर को अयोध्या की धरती में आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक मीटिंग होनी है। सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष उसमें प्रतिभाग करेंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप लोग अपनी टीम के साथ अयोध्या 25 तारीख पहुंचने का कार्य करिएगा और एक ऐसी ताकत दीजिएगा कि आने जो होने वाला महायज्ञ है उसको पूर्ण रूप से संपन्न कराया जा सके। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।